नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शादी के लिए मंडप में बैठे दूल्हे की दुल्हन मंडप में आए उसके पहले दूसरी औरत ने फिल्मी स्टाइल में मारी एंट्री और फिर मच गया बवाल। वसई के वसंत नगरी का है मामला। बिना पहली पत्नी को तलाक दिए पति कर रहा था दूसरी शादी। पुलिस को आना पड़ा बीच बचाव करने। वसई अंतर्गत वसंत नगरी इलाके में जोशी पार्टी हॉल में चल रहे एक शादी समारोह में उस समय बवाल मच गया जब अर्जुन सिंह नामक यह दूल्हा अपनी शादी के मंडप में अपनी नई नवेली दुल्हन का शादी की रस्में निभाने के लिए इंतजार कर रहा था। तभी अचानक वहां का माहौल फिल्मी अंदाज में बदल गया। दरअसल शादी में एक औरत आधम की और उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जो औरत मंडप में आई वह औरत कोई और नहीं बल्कि अर्जुन की अपनी पहली पत्नी निकली, जिसका नाम कंचन सिंह बताया गया। अर्जुन एवं कंचन दोनों की शादी 2012 में पूरे वैदिक तरीके से हुई थी। अर्जुन ने शादी का दहेज भी लिया था, लेकिन 6 महीने के भीतर ही पति अर्जुन एवं पत्नी कंचन दोनों अलग हो गए और दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। दोनों की तलाक की अर्जी आज भी न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा पत्नी कंचन ने आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के चलते अर्जुन जिस लड़की से शादी करने वाला था उसके घर परिवार वाले उस लड़की को वापस लेकर चले गए और अर्जुन की शादी टूट गई। यह घटनाक्रम करीब 2 घंटे तक चलता रहा। बाद में पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहुंचकर दोनों ही परिवारों में मध्यस्थता कर मामला शांत करवाया। पीड़िता पत्नी कंचन ने बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करने के कृत्य के लिए अपने पति अर्जुन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कंचन अर्जुन सिंह ठाकुर, ये मेरे शादी का नाम है, मेरे पति का और मेरा। उनकी मेरा और उनका डिवोर्स हुआ नहीं है सर अभी, और कोर्ट में तारीख चालू है। और आज ये जो अर्जुन है ये मेरे पहले पति है और ये यहाँ वर्ल्ड में दूसरी शादी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मुझे पहली शादी में मेरे मम्मी पापा से उन्होंने दहेज, मेरे पापा ना होते हुए मेरे मम्मी को, हमारी शादी फिक्स हुई 2012 में मेरी शादी हुई थी। तो पहले उन्होंने बोला कि नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर शादी के कार्ड छप गए, फिर उन्होंने डिमांड शुरू की, मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो कार्ड छप कर बढ़ चुके थे, इसलिए फिर मेरी मम्मी ने बैग से पैसे निकाले और इन लोगों से मांगे पूरी। फिर जब मैं उनके घर में गई, जब ये लोग अमित के पास से पैसे ला, ये टीवी ऐसा क्यों किया, ऐसा फ्रिज क्यों नहीं दिया, ये सब बातों से मेरे साथ हमेशा 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 मेरे साथ टॉर्चर झगड़ा वगैरह करते थे, ये करते थे। फिर 3 महीने मैं उनके घर में उनके साथ में रही। फिर उसके बाद में मैं ये सब प्रॉब्लम चालू थे, मैंने मम्मी को बताया, फिर घर पे रही। फिर आज क्या मजमा हुआ? आज क्या, आज मैं शादी में आई और वो दूसरी शादी कर रहा था। वो मैंने उसको देखा, मेरा बिल्कुल बैलेंस रहा नहीं। और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो आप किसी से भी पता कर लो, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सर। मैं 3 दिन से हम गाड़ी में आए, हम मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा भी कोई नहीं है। हम आए और बस हमको जैसे पता चला हमको ये हुआ, हम यहाँ पे आए। ये शादी हो रही थी, जानकारी थी क्या आपको? शादी हो रही थी तो हमको व्हाट्सएप पे पत्रिका मिली तो उस पत्रिका के आधार पे हम आए। कल मैं विरार पुलिस स्टेशन में भी थी तो उन्होंने बोला कि सबूत चाहिए, बिना सबूत के हम आपके साथ आ नहीं सकते। तो फिर इसीलिए अब जो कुछ किया मैंने, मेरे भगवान पे विश्वास रख के मैं यहाँ तक आ गई। मेरी बहन के सपोर्ट से मैं आई, नहीं तो आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता था। ये शादी करके फरार हो जाता था और कहीं दिखाई भी नहीं दे, इतनी बड़ी मुंबई में मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको। आज यही जगह थी उसको पकड़ने की। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।